अरे वो सब आ जाए, मैं जानती हूँ सच में। हाँ ठीक है, इस मामले में थोड़ी सी वीक हूँ कि मेरे को सास मत। हेलो जी, कैसे हो आप? आप पूछोगे आप कैसे हो, तो बस ठीक ठाक हूँ यार, ठीक ठाक हूँ। बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मिस कर रही हूँ, बताऊँगी, आगे बने रहना। बट सबसे पहले आप सबका वेलकम है, खूब सारा प्यार है आप सबको, और खूब सारा थैंक यू है कि आप लोग बहुत प्यार और केयर करते हो मुझे, बहुत उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। और ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि मेरे ब्लॉग्स आपके पास पहुंच जाए। यार मौसम ना चेंज हो रहा है काफ़ी, समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, अचानक से ठंड लगने लग जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ना मन सही नहीं है इस वजह से हो रहा हो। तो आप लोग पूछोगे मन, तो आज वाला जो ब्लॉग होगा ना वो हम जॉइंट फैमिली और सोलो फैमिली के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि मैंने दोनों लाइफ जी है, मैंने जॉइंट फैमिली के साथ भी रही हूँ और अभी मेरी सोलो लाइफ चल रही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मोमेंट हैं जिनको मैं बहुत मिस कर रही हूँ, शायद अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही हूँ, समझ में भी नहीं आ रहा है। पर ठीक है, कोई ना, भगवान ने कुछ तो सोचा होगा, कुछ चीज़ें तो की होंगी, तो जो भी होगा देखते हैं क्या होता है। बट फैमिली 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 होती है यार, फैमिली के मुकाबले कुछ नहीं होता है। ये रहे जेठू जी, हेलो पतिदेव, कैसे हो? पूछो कौन, क्या करूँ, क्या कर रहे हो? रोक की ना मैसेज। देखो इनकी लाइफ ऐसी है और मेरी लाइफ ऐसी है, आप पूछोगे नहीं मैं सेट क्यों हूँ। क्या व्हाई आर यू सेट, फील सेट? मैं ना घर वालों को मिस कर रही हूँ। मिस क्या करना है यार, उनको बुला लेते हैं, अपन चल लेंगे, क्या मिस क्या करना है यार, ऐसे जाना भी तो पॉसिबल नहीं होता है ना, वो उनको बुला लेंगे, जॉइंट फैमिली। वो देखो ऐसा तो देखिए, ये सब तो फर्क पड़ेगा, आप चाहोगे कि 24 आवर्स वो यहाँ हाजिर रहे ये भी संभव नहीं है, आप चाहोगे 24 आप वहाँ रह के सारा काम करवा लो वो भी संभव नहीं है। हाँ परेशानियाँ तो आती है, सामने पड़ी चीज़ है। सोलो फैमिली में, सोलो फैमिली तो कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगल फैमिली जिसमें मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे हो, पता नहीं यार, लोग ये मानते हैं कि सोलो फैमिली रहनी चाहिए, अलग अलग चीज होती है, कमर्शियल लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है वो सोलो फैमिली। करण भैया स्टैंड लाके दो ना प्लीज। जहाँ परिवार की जरूरत होती है वहाँ परिवार की जरूरत होती है, जहाँ घर की दूसरी औरतें, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे माहौल बनाए रखते हैं, बड़े बुजुर्ग आपको हर समय गाइड करते रहते हैं, आपको तकलीफ आराम नहीं आने देते, वो छत है जो ना आपको बारिश में भीगने देती है, ना आपको लू लगने धूप लगने देती है, लू लगने देती है, ना आपको सर्दी लगने देती है, वो बड़े बुजुर्ग वो होते हैं, वो छत है, इसलिए उनकी तो कौन कर सकता होता, परिवार की तो कोई नहीं कर सकता यार, कोई भी नहीं कर सकता है। और मुझे ना बहुत सारे लोगों के, ये मैं एक मिनट में इसको सेट कर दूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो यहाँ पे हमने लगा लिया है स्टैंड पे हमारे फ़ोन को, क्योंकि मेरा बस नहीं है, पकड़ तो लेती बस मेरा मूड भी नहीं है, मेरा मन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, शांत रखो मन को, ब्रीथिंग करो, डीप ब्रीथिंग। नहीं यार, बहुत सारे लोगों के ये होते हैं ना कि उनको सोलो फैमिली पसंद होती है या क्या होती है नहीं पता है मुझे, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर मुझसे कोई पूछे ना, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपके लाइफ में आपके सासू माँ ससुर जी, आपके फैमिली रहने ही रहने चाहिए। विदाउट फैमिली, विदाउट जॉइंट फैमिली, विदाउट ससुराल फैमिली आप इंटरटेन हो ही नहीं सकते। हम दोनों एक दूसरे से क्या बात करें, कैसे रहें, कितनी बात करें। हाँ सही बात है, हम कितनी बात करें, सारी चीज़ें होती हैं, परिवार की जरूरत होती है, हर जगह होती है, जहाँ भी आपको लगता है कि मैं दुविधा सुविधा में हूँ, मेरी असमंजस की स्थिति में हूँ, मेरे साथ कुछ नया होने वाला है, ज़्यादा कम होने वाला है, उस समय आपके साथ परिवार ही खड़ा रहता है। मैं ये चीज़ें ना मेरे हेमंत की प्रेगनेंसी के टाइम की बहुत मिस कर रही हूँ, और इस दौरान ना मेरे पास सारे बच्चे दीदी लोग, लास्ट के 2 मंथ ना मेरे पास सब कोई रहते थे, सब कोई। इस प्रेगनेंसी में, उस प्रेगनेंसी में फ़र्क भी है, बहुत रात और दिन का, मतलब अगर आप दोनों टॉपिक पर बात करो ना, तो आप एकदम से वो चीज़ों को याद करके और इसको लेके चलो, तो आपको पता चलेगा यार कितना फ़र्क है। वो रोमांचित करने वाली चीज़ें थी, ये भी है, लेकिन इसका अलग एक्सपीरियंस है, उसका अलग एक्सपीरियंस है। उस टाइम मैं एकदम ओम इग्नोराइन में था, मैं भी इतना फील भी नहीं होता था, तब फैमिली इतनी सपोर्टेबल थी। आपने जैसे कमेंट में, जैसे होता है ना मालिश का, मुझे याद है मेरी ननद ने मेरे पैर दबाए थे,
मेरी जेठानी ने मेरे कमर दबाते थे। करते ही हैं आपस में, सब करते हैं भाई। तू नहीं रही क्या? तू तेरी बहुओं के पास नहीं रही? रहना ही पड़ता है, परिवार ऐसे ही चलता है। हमारे घर में जितनी भी डिलीवरी हुई है ना मेरे बाद, मैं सारों की डिलीवरी में हॉस्पिटल की ड्यूटी ना सारे की सारी मेरी रहती थी। मेरे आज तक मैंने हॉस्पिटल शायद ये पहली बार देख रहा हूँ, इतनी मैंने कभी देखी ही नहीं है। और मैंने मेरे घर में मेरी डिलीवरी के बाद 5 डिलीवरियाँ हुई हैं। पांचों में जो हॉस्पिटल में 2-3 दिन 4 दिन का रहने की ड्यूटी थी ना वो मेरी रहती थी, क्योंकि मेरी ननद लोग जेठानी लोग ना हॉस्पिटल में खाना नहीं खा पाते थे, हॉस्पिटल में नहीं खा पाते थे, तो क्षमा कर देती थी उनका कि हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है, अब आप लोग बोलोगे कि यार आप जा भी सकते हो, बिल्कुल मैं जा सकती हूँ, वहीं रह सकती हूँ, वो पलके बिछाए मेरा स्वागत करेंगे मुझे, ये एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे पता है कि वो मेरा को कितना प्यार करती हैं, वो मेरे कितने केयर करती हैं। बट अब मैं ऑलरेडी माँ हूँ तो मेरा मन ना हेमंत के बिना भी नहीं लगता। फिर वो इतने लंबे पीरियड अगर जाएंगे ना तो हेमंत बेचैन हो जाएगा, हेमंत बेचैन हो जाएगा। मैं अगर ऐसी स्थितियाँ नहीं होती है, हमारे मन में नहीं आता, ये नहीं होता, हम हॉस्टल डाल चुके होते। पिछले साल अपनी काफ़ी बातें हुई थी कि भाई नहीं, बच्चे को हॉस्टल से ज़्यादा परिवार का माहौल चाहिए। मैं हेमंत के बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। मैं एकदम क्लियर कट बोलती हूँ, ना मेरा हेमंत के बिना मन लगता है, ना मेरा हेमंत के पापा के बिना मन लगता है। तो मेरा ये है कि अगर मैं नौखा रहूँगी तो मुझे मेरे पति भी चाहिए, मुझे मेरा बेटा भी चाहिए। तो पति तो चलो फिर भी रह लेगा, वहीं रह लेगा, यहीं रह लेगा, बट बच्चे को, अब जो हेमंत ना क्लास 5 स्टैंडर्ड में आने वाला है तो बहुत सारी पढ़ाई होती है, बहुत सारे बच्चे के वर्कलोड होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं, बहुत चीज़ें। स्थितियाँ एक जैसी कभी नहीं रहती ना, स्थितियाँ एक जैसी कभी नहीं रहती। सातों सुख इंसान को मिलते नहीं, अगर आपको परिवार का सुख चाहिए तो यहाँ से आपको कटआउट होना ही पड़ेगा एक बार के लिए। और क्या चल जा, तो चलेंगे चलेंगे गांव चलेंगे, बस इतना मत सोचो। किसको उसको बुलाना है, चल उनको बुला लेते हैं। अम्मा को फ़ोन कर देता हूँ, ले मैं अम्मा को फ़ोन करता हूँ, करूँ अभी फ़ोन कर देता हूँ, भाभी को फ़ोन कर देता हूँ, सुमा को फ़ोन कर देता हूँ। अरे ऐसा नहीं है, इतना कौन सोचता है यार, इतना क्या सोच रही है, अपने पास क्या है, अभी अभी मन करेंगे, सुबह वहाँ मिलेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, बस कुछ चीज़ें डिस्कस करती हैं, कुछ चीज़ें होती है, लोग ये बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे पास नहीं है ना सासू माँ, तब तुमको ये फील होती है। बट मैं ये बोलती हूँ हाँ मेरे पास सासू माँ नहीं है, बट मेरे पास मेरी ननद है, मेरे पास मेरी जिठानी है, तो वो उनसे भी ज़्यादा मुझे प्यार देती है। आपकी माँ ने आपको पाला, आपकी सास ने आपके पति को पाला, इसमें ऐसे क्या सासू मार क्या नहीं सासू नहीं यार, बाकियों का मुझे नहीं पता। मैं मेरी फैमिली को बहुत कुछ 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 बहू के मन में भी होनी चाहिए केमिस्ट्री बिठाने की, कुछ सास के मन में होती है, अपने आप ही बैठ जाती है। आजकल तो रील्स देखते हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया सास बहू की रील्स आती है मेरे देख। आप मानो मैंने कल मेरी दीदी को बोला कि दीदी आजकल ये दामाद ससुर सास बहू ये कुछ रहा ही नहीं है यार। इंसान अपने लिए प्यार कमाता है, हर इंसान अपने लिए प्यार कमाता है, अपने लिए इज्जत कमाता है, इसमें क्या है। मैंने कल मेरी दीदी को बोला कि दीदी ऐसे ऐसे कुछ तैयारियां करनी है, दीदी बोला तू इतनी टेंशन मत ले, ये तेरी टेंशन नहीं है, ये हमारी टेंशन है, अपने आप देख लेंगे, तू सर मत दुखा। मतलब मैंने बोला हाँ ठीक है सॉरी। बड़े जी बड़े भैया को, जिया जी छोटे वाले जिया जी को फोन करना है। देखो बड़े वाले जिया जी और मैं, हम दोनों तो एक जैसे हैं, बाकी बड़े वाले भैया को फोन करेंगे या छोटी वाली जिया जी को फोन करेंगे, अपने आप कर देंगे, बाकी भाभी आई अम्मा आई सुमा कर देंगे, क्या करेंगे करेंगे, वो लोग ही करते हैं, उन लोग को भी इतना कौन है। इधर मंजू बैठी है, क्या बट कौन सा बैठी है, वो तो है ही, उसमें कोई बात ही नहीं है, सारे लोग करती हैं, सब बहुत प्यार करती हैं, सब बहुत केयर करती हैं, बट होता है ना कि इस दौरान ना फैमिली को साथ रखना चाहिए, फैमिली चाहिए साथ, वो कुछ भी हो डर रहता है ना, फैमिली चाहिए साथ करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग चाहिए सलाह। कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि हाँ मैं कर लूँगी, जैसे अम्मा अभी नहीं आ पा रही है ना, हमारे वहाँ पे कभी कुछ फंक्शन चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे भी देखना ज़रूरी है। तो मैं उनको, वो हमेशा टेंशन करती है कि वो मेरे को भूतनी बुलाती है, सरोड़ी बुलाती है, ननद है जो मेरे को सरोड़ी बुलाती है छोटी वाली दीदी, और जो अम्मा है वो मुझे भूतनी बुलाती है, ठीक है, उन दोनों का ये मेरा नाम है, तो वो यही बोलते हैं कि ठीक है मैं आ जाती हूँ, ठीक है मैं आ जाती हूँ, तेरे को तकलीफ है, अब मेरा मन नहीं मान रहा मैं आ जाती हूँ, मतलब मैं कुछ दिनों मैनेज करूँगी, मैं स्ट्रांग हूँ। और उनको मेरे पे बहुत भरोसा है कि वो लापरवाही नहीं करेगी कोई कदम पे। वो उन्होंने मुझे बोल दिया कि सहिता तुझे ये काम करना है, तो सहिता के लिए वो चीज़ पत्थर की लकीर हो जाती है, मैं कभी कभी उस चीज़ को इग्नोर करती ही नहीं कि उन्होंने जैसा बोल दिया वैसा मुझे करना है। क्योंकि अभी आने के बाद 3-4 महीना उनको भी अपना घर बार छोड़ के रहना बहुत भारी काम होता है ना, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है उनके घर पे, काम चल रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो बस यही है कि यार जॉइंट फैमिली और सोलो फैमिली में ना बहुत डिफरेंस होती है, पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं। और इस दौरान तो
मस्ट बी नीडेड है। नहीं, जिनके पास नहीं होता उनको रहना भी पड़ता है, ये कोई बात नहीं है, सबकी अलग अलग स्थितियाँ होती है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भी इसके बिना ये नहीं होता या ये होंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। हर इंसान की अलग अलग स्थितियाँ हैं, जिसके पास फैमिली है उसको फैमिली का सुख लेना चाहिए, उसको परिवार के साथ रहना चाहिए, सब काम होने चाहिए, और जिनके पास नहीं है उनको मेहनत करके करना ही पड़ता है। जब अब मान लो कोई फॉरेन कंट्री में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दो ही है, उनके साथ अगर हम जिस दौर से गुजरे हैं वो उस दौर से गुजरे तो उनको मैनेज करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको करना पड़ता, करते ही है इंसान, इंसान यही तो समझदारी होती है। और इंसान में भगवान ने ये कला सिर्फ इंसान ही को दी है, सब चीज़ों को समझने की, बोलने की, कहने की, सुनने की, सारी क्षमताएँ सिर्फ ईश्वर ने इंसान को ही दी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मम्मी को बुला लो, बट मैं ऐसे मानती हूँ ना कि एक लड़की का ना शादी होने के बाद उसका जो हक होता है ना वो अपने ससुराल वालों पे रखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बहुत उनसे ज़्यादा अटैच हूँ। वहाँ मेरी मम्मी बहुत टेंशन फ्री है, उनको पता है कि मेरे ससुराल वाले मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो कभी इन में आती ही नहीं है, उनका अपना है तो वो अपने में रहती है। एक सिस्टम भी है, डिलीवरी सिस्टम सिंपल है, चाहे किसी भी बहू का हो, हमारे घर पे हमारे ससुराल में बड़े भैया किसी को कहीं नहीं जाने देते हैं, उनकी नज़रों के सामने ही रहता है सब कुछ, वो खुद ही खड़े रहते हैं हॉस्पिटल में। वो मेरी भी भाभी की डिलीवरी हुई थी ना, तो भी मेरे जेठानी ही खड़े थे, मैं नहीं थी तब, वो वहाँ खड़े रहेंगे, वही डॉक्टर से बात करेंगे, उन्हीं के सारे डिसीजन चलेंगे, हमारे कुछ नहीं। पहली बार प्रेगनेंसी हुई थी सहिता की, तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई ये आपको सर्जरी क्या बोलते हैं आप लोग, सर्जरी से होगा कि ऑपरेशन से होगा, आप इन बड़े भैया खड़े थे, वो बोले मैं अपने आप बता दूंगा, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। हम लोग बोलना भी हमें उचित भी नहीं समझते हम, और हमें जरूरत भी नहीं है, उनके निर्णय होते हैं, वो बड़ी भाभी भैया बड़ी बहन वो सब बात करके अपने आप कर लेते हैं, और लास्ट में नॉर्मल हुई थी डिलीवरी, वो अपने उनको सब पता है, वो सब हमारे मेरे पिताजी की तबीयत इतनी ख़राब थी उस टाइम से मुझे पता है, हमने तो कभी हॉस्पिटल का मुँह ही नहीं देखा, सब कुछ हमारे घर में। ये सबसे अच्छी बात है, हमने सबने अपने अपने काम अपने अपनी ड्यूटी बांट रखी है, तो हमको इतनी टेंशन नहीं होती है, जिसका जो डिपार्टमेंट होता है उसका जब वो उसका काम पड़ता है तो उसे अकॉर्डिंग कर लेती है। वो आ जाएंगे 5-7 दिन पहले, वो अपने आप यहाँ आ जाएंगे, वो खुद ही कर लेंगे। और मेरा यही रीज़न है कि मैं इसी लिए यहाँ पे डिलीवरी करवाने का है ना, कि हेमंत को इतने दिन का ब्रेक मैं नहीं दे पाऊंगी। यहाँ पे मंजू है, तब तक अम्मा को डर नहीं है, अम्मा इसीलिए है, मंजू है, महेश जी है, उसके मेरी मानजी के ससुराल वाले हैं, वो भी इतने ही अच्छे हैं, इतने समझदार है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। उनके जेठ जी है, जेठानी है, वो सब समझ। लेकिन अगर मेरी तरफ से देखो ना, तो मैं 100 में से 100 पॉइंट्स जॉइंट फैमिली को दूंगी, कि अगर सपोज मेरी बेटी हो ना, तो मैं पहले उसको यही देखूंगी कि उसके सासू माँ ससुर जी है कि नहीं है, वो होए बिना मैं मेरे बेटी के ससुराल में उसको नहीं दूंगी। वो सब ईश्वर देता है, ये सब ईश्वर। ये मेरी मम्मी ने, पता है, ये मेरी मम्मी ने भी यही बोला था जब हमारा रिश्ता आया था ना, तो यही बोला था सही था यार, तेरी सासू माँ तो है ही नहीं। और मैं ना बचपन से ऐसे बोलती थी, जैसे मेरे को ब्लाउज स्टिचिंग करनी आती थी ना, तो मैं ये बोलती थी कोई नहीं मैं ब्लाउज स्टिच करके दे दूंगी, मुझे वो बटन्स लगाना नहीं पसंद था ब्लाउज में, तो मैं बोलती वो मेरे सासू माँ कर देगी, मतलब आधा काम मैं करूँगी आधा काम वो कर देगी। वो आधा उधा कुछ नहीं करती, कुछ काम नहीं करती। तो अभी मेरी ननद लोग मुझे बहुत छेड़ती है, हाँ तूने तो बड़े ब्लाउज सिल दिए, तूने तो बड़े ब्लाउज पहना दिए। मेरी माँ भी पहन ही लेती, पहनने की बात नहीं है, ठीक है, बिफोर मैरिड की लाइफ पूरी अलग थी, आफ्टर मैरिड की लाइफ ये है कि इन्होंने एकदम, इन्होंने क्या देखे नहीं जन, वो ब्लाउज वाला देख ली तू किसा किसा पेरिया सरितार बनावड़ार बताई, जैसे मैं थारो ब्लॉग बना रही लग, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी दीदी को बोझी बता दे, नहीं मेरे को मेरे घर वाले बोलते हैं अब नहीं, मैंने छोड़ दी है ब्लाउज स्टिच करने, तो यही चीजें होती हैं। और बस भगवान से यही प्रे करूंगी लाइफ टाइम कि जैसी मेरी फैमिली है ना आज, वो बस ऐसे ही रहेंगे, वो तो जब बन जाते हैं इसमें क्या है ना, सच में। हाँ ठीक है, इस मामले में थोड़ी सी वीक हूँ कि मेरे को सासू माँ ससुर जी का प्यार नहीं मिला, इस मामले में तो मैं क्या, मेरा बेटा और ज़्यादा अनलक्की है कि उसको दादा दादी का प्यार नहीं मिला, और सबसे ज़्यादा मैं और मेरा बेटा ही मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। बट ये ज़रूर बोलूँगी कि जो फैमिली है ना, मेरी जिठानी जी, ननद जी, सबको ही कैमरा बंद कर दे ना, आई एम ओके, अब आराम से बात करेंगे, कभी कभी बस थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं हम, इमोशंस आ जाते हैं बाहर, बट मैं और मेरा बेटा ना बहुत मिस करते हैं, बट जो मेरे जेठ जी जिठानी जी और अम्मा है ना, इन्होंने कभी ये चीज़ फील होने ही नहीं दी, कभी भी ये चीज़ फील नहीं होने दी, बस यही ब्लेसिंग्स है उनकी। और बोल लो कुछ, सब कुछ सही हो जाएगा, इतना सोच मत, दिल में हो तुम। ऐसे ही मन किया कि आप लोगों के साथ हम हमारी कुछ थोड़ी सी जो फीलिंग्स है वो शेयर करें,
क्योंकि हमेशा स्ट्रांग दिखना या स्ट्रांग दिखना और स्ट्रांग होने में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। दिखना तो आदमी को इंसान को स्ट्रांग पड़ता ही है कुछ भी हो जाए, बट हर इंसान को प्यार की और ये किसी को लगता है मैं अकेला कर लूंगा, ये कोई स्ट्रांग होना नहीं, ये कमजोर होता है इंसान, अंदर से ज्यादा कमजोर होता है, वो ऐसा सोचता है मैं अकेला कर लूंगा, जबकि वास्तव में तो बोलते हैं ना कि जो बात बात पे आंसू गिरते हैं वो बहुत इमोशनल होता है, वो जो भगवद गीता की कुछ लाइन है ना वो ऐसे ही थोड़ी है, ऐसे ही नहीं है। मैंने तो देखो ऐसे तो गिरते नहीं है आंसू, ऑनेस्टली स्पीकिंग है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है, बट कहाँ कहीं ऐसी जगह होती है ना जहाँ मेरी फीलिंग्स रुकती नहीं है, मेरी आंखों से आप रोक ही नहीं पाओगे, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो बस ऐसे ही आज मैं पूरे दिन सुबह से मिस कर रही थी घर वालों को, तो मुझे लगा ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मैं मेरे घर वालों को सीधा तो क्या ही बोलूंगी, बट देखेंगे लोग देखेंगे तो अपने आप आएंगे, वो सारे ब्लॉग्स देखेंगे ज़रूर, मुझे पता है वो वहाँ बैठ के सारे देखते हैं ब्लॉग्स, तो ये ब्लॉग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं उनको कितना मिस करती हूँ, है ना। और बस मैं यही बोलूँगी आप सबसे कि जिनको भी नसीब में जॉइंट फैमिली मिली है वो प्लीज़ उन सब की केयर करना और फैमिली को जॉइंट ही रखना, ज्वाइंट ही रहती है यार, फैमिली को ज्वाइंट ही रखना, उनके साथ ही रहना, बड़े हैं वो कभी डांट भी लगाएंगे, मैं भी बड़ी हूँ, मैं मेरे बहुओं को डांट लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सीधी सादी हूँ ना, मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, सासू माँ का होता ही वही होता है यार, मैं मामी सास हूँ, चाची सास हूँ, तो मैं भी मेरे बहुओं को बहुत ताने देती हूँ, कभी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मुझे भी रिवर्ट में मेरी जेठानी मतलब डांट ताने अलग चीज़ होती है, और मैं भी मेरी भी मेरी ननद और मेरी जेठानी मुझे डांट लगाती है, तो हमको अच्छा लगता है ना, तो मेरी बहुएं मुझसे नाराज़ होती हैं और ना मैं मेरे फैमिली वालों से नाराज़ होती हूँ, तो यही बॉन्डिंग होती है हमारी, प्यार भी देना पड़ता है भाई, ऐसे ही थोड़ी मिलता है, ऐसे अधिकार नहीं मिलते हैं, अधिकार और कर्तव्य दोनों चीज़ें एक साथ चलती है, लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों ही चीज़ें साथ चलती है हमेशा, ऐसा नहीं है, आप जितने आप कर्तव्य पूरे करोगे, जितनी आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी करोगे आपको राइट्स भी उतने ही मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलते ना कि सिर्फ आपको राइट्स दे दिए गए, नहीं है ऐसा, कहीं नहीं है। हाँ तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, कौन आता है क्या होता है आपको आगे आगे दिखेंगे, ये वाला ब्लॉग मेरे घर वालों तक पहुंच जाए फिर पता चलेगा क्या होता है। पहुंच गया है ना, तो सब देखते हैं, बस ऐसे ही मन किया आप लोगों के साथ फैमिली की थोड़ी सी चीजें मैंने मन की शेयर करूं, क्योंकि ये पल बहुत रेयर टाइम होता है, लोग में एक बढ़िया चीज शेयर करेंगे, पूछो क्या क्या यही हेमंत वाली टाइम की और इस टाइम की क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, वो एक्साइटिंग क्या एक्साइटिंग, मेरे आधा से ज़्यादा यही आंसू ही टपकेंगे फिर उस नहीं, लेकिन उसमें मस्ती आएगी, लेकिन नई चीज़ें उस चीज़ें तो तगड़ी तगड़ी थी ना, वो ज़्यादा हाँ वो भी चीज़ें सारी चीज़ें शेयर करेंगे, वाली टाइम ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वो 9 months और ये 9 months दोनों चीज़ें शेयर, बच्चे थे तो मस्ती थी, बदमाशियाँ थी, बहुत चीज़ें थी, मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को याद नहीं रहती है, टच ऑफ डे मेरे को बातें बहुत याद रहती है, हर इंसान की हर कही गई बात मुझे याद रहती है, तो मुझे मेरे हेमंत के टाइम की भी 9 months की जर्नी बहुत याद है, और ये तो सारी आप लोगों के सामने ही है। इस बार तो कुछ अटेंड नहीं, उस टाइम कितनी शादियाँ अटेंड की थी, मैंने गरबे खेले थे, डांस किया था, सब कुछ किया था, बट इस बार तो ठीक है कोई ना, तो बस यही छोटा मोटा आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया, हमने हमारी दिल की बातें शेयर की आप लोगों से, अगर अच्छी लगी हो तो आप भी अपने अपने अनुभव साझा करें, हाँ आप लोग भी मुझे ये कॉमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना कि सिंगल फैमिली प्रेफर करते हो, प्रेफर करने की बात नहीं है, इसको कैसा महसूस होता है किसी के साथ, सबके साथ एक जैसी स्थितियाँ नहीं होती, अगर किसी के साथ स्थितियाँ खराब हो तो वो कैसे करेगा मैनेज, उसको तो यही लगेगा कि यार आपको बात आ रही है, जायज बात है, सबके साथ एक एक जैसी स्थिति, सबको ऐसी जैसा एक्सपीरियंस हो, जिसका जैसा एक्सपीरियंस हो उसको शेयर जरूर करें और करना ही चाहिए, मैं तो यहाँ पे कमेंट मुझे ज़रूर ज़रूर बताना कि मेरी जो फीलिंग्स थी वो आप लोगों को कैसी लगी और आपकी फीलिंग्स मुझे वाया कमेंट ज़रूर ज़रूर बताना, है ना। तो ओके गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, बस ऐसी मन से थोड़ी बहुत ही डिस्कस करने का मन किया, आप लोगों से शेयर कर दिया, खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना, मिलते हैं आपको नए दिन नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।